हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व डिज़ाइन हैज सेट सो इस प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं डिज़ाइन हैज सेट एक प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने वाले हैं हमें यहाँ पे करना क्या है एक हैज सेट डिज़ाइन करना है और यहाँ पे कोई भी टेबल बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज़ नहीं करना है ओके एक क्लास दे रखा है माय हैज सेट क्लास इस क्लास में तीन फंक्शन है ऐड फंक्शन कंटेंस फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन तो हमें ऐड फंक्शन कंटेंस फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन को क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है कैसे करेंगे इसका क्या है कि जब भी ऐड की दे रखा हो डाटा मीन हमें क्या करना है वो की को हैज सेट में ऐड कर देना है कंटेंट्स की दे रखा होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा चेक करना होगा कि वो की क्या प्रजेंट है सेट में या नहीं है अगर है तो डेंट्रू करेंगे अदरवाइज़ फॉल्स करेंगे ओके एंड रिमूव की में क्या है कि आपको वो की क्या करना है रिमूव कर देना सेट से ठीक है सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है की दे रखा है कि की, की जो आप ऐड कर रहे हो रिमूव कर रहे हो वो की आपका कहाँ तक का हो सकता है जीरो से लेकर वन मिलियन तक का हो सकता है ओके तो हम क्या करेंगे ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसकी की, की जितना मैक्सिमम की है उतने साइज उतने का एक क्या करेंगे हम वेक्टर क्रिएट कर लेंगे उससे उस एक प्लस तक ताकि जो हमारा की मिल सके वहाँ पे जीरो से लेकर उतने की तक का मिल जाए इसलिए हमें साइज़ क्या करना होगा वन प्लस वन मिलियन का एक वेक्टर हम क्रिएट कर लेंगे और उसका जो इंडेक्स होगा ना उसको एज ए की ट्रीट करेंगे ओके सो है होता क्या है हे सेट क्या होता है ना कि एक काइंड ऑफ कलेक्शन होता है जिसमें हम हैज टेबल का यूज़ करके उसमें डेटा स्टोर करते हैं और इसमें जो भी डेटा स्टोर करते हैं ना वो यूनिक होता है तो हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे ना कि जो भी की है की को यहाँ पे एज ए इंडेक्स ट्रीट करेंगे इसलिए हम क्या करेंगे एक एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे ए, एरे बोलो या वेक्टर बोलो वो क्रिएट कर लेंगे जिसका साइज क्या होगा वन मिलियन प्लस वन का ताकि हमें यहाँ पे की जो मिले यहाँ पे जीरो वन टू थ्री से लेकर आपका वन मिलियन तक का हो ठीक है क्योंकि की आपका वन मिलियन तक का हो सकता है तो इस एग्ज़ाम्पल इस में हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे पहला आपका कंस्ट्रक्टर है माई हैज सीट यहाँ पे क्या करेंगे ना हम इसका जो एरे ए डिक्लेयर करेंगे वेक्टर डिक्लेयर करेंगे उसको हम क्या करेंगे रिसाइज कर देंगे कितने साइज़ का हमें होगा ओके उसके बाद हमें क्या करना है और इसका टाइप क्या होगा कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नल देगा तो ये नल है ओके एंड उसके बाद ऐड है तो ऐड है तो हम क्या करेंगे ना जो ये एरे लेंगे इसका जो टाइप होगा जो इसमें डेटा टाइप जो इंसर्ट करेंगे वो बुल टाइप का होगा ठीक है इसमें ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स तो जब भी वन को हमें ऐड करना है डैट मीन्स यहाँ पे वन ऐड करना है तो हम वन को क्या करेंगे मार्क कर देंगे एज ए ट्रू कि ये यहाँ पे प्रजेंट है फिर ऐड करना है हमें क्या करना है टू ऐड करना है तो टू ऐड करना है इसे भी हम क्या कर दें मार्क कर देंगे एज ए ट्रू उसके बाद कंटेंस कंटेंस किसको चेक करना है वन को क्या वन परजेंट है क्या तो हम चेक करेंगे क्या वन का जो वैल्यू है यहाँ पे वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे ट्रू भी है ये फिर कंटेंस क्या है थ्री है यहाँ पे थ्री थ्री है तो यहाँ पे कुछ ट्रू नहीं है दैट मीन्स ये फॉल्स ही होगा तो ये रिटर्न यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पे फॉल्स होगा ये ठीक है फिर कंटेंस एड uh, क्या है टू है टू तो पहले से आपने ऐड कर रखा है ना तो यहाँ पे मार्क ट्रू एज कर रखा है तो ये मार्क फिर से ट्रू करोगे ट्रू ही होगा ओके फिर से कंटेंस है यहाँ पे कंटेंस टू है तो टू है देखो यहाँ पे डंट टाइप इसका जो ऐड करने का है वो वो कुछ भी नहीं है अवॉइड है तो यहाँ पे इसलिए नल है ये ओके यहाँ पे फिर क्या चेक करना है हमें टू चेक करना है कि क्या टू जो मेरा है ये यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, है? यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ड्रंट ट्रू दे रखा है उसके बाद रिमूव है कह रहा है कि रिमूव कर दो टू को तो टू को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे टू को मार्क कर देंगे एज ए फॉल्स मार्क कर देंगे कि ये फॉल्स है ठीक है इस वजह से क्या होगा हमारा ये जब फिर से कंटेंट्स टू को चेक करेंगे तो ये रिटर्न मेरा क्या देगा फॉल्स देगा ओके सो इजी प्रॉब्लम में कुछ है नहीं इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वेक्टर एक डिक्लेयर करना जिसका साइज हम क्या लेंगे वन मिलियन प्लस वन का लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे की को एज़ ए इंडेक्स ट्रीट करेंगे जब भी हमें कोई ऐड करना होगा की को तो हम क्या करेंगे उस इंडेक्स को मार्क कर देंगे एज ट्रू ठीक है जब भी रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे उस की जो की का वैल्यू हो उस इंडेक्स सेम इंडेक्स में क्या करेंगे सेम की वैल्यू का इंडेक्स जो होगा उसको मार्क कर देंगे फॉल्स डैट मीन्स जब भी मेरे से पूछा जाएगा क्या ये कंटेंट करता है या नहीं करता है हैसेट में तो हम वहाँ देख लेंगे ट्रू है या फॉल्स अगर फॉल्स होगा डैट मीन्स वो कंटेंट नहीं कर रहा है अगर ट्रू होगा डैट मीन्स वो है वहाँ पर मौजूद है ठीक है तो हमारा ये अप्रोच रहेगा तो हम यहाँ पे कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे ना हम यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे वेक्टर का टाइप ले लेंगे बुल ठीक है और यहाँ पर हैस इसका नेम दे देते दे 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 हैं उसके बाद हम क्या करते हैं हैज को रिसाइज कर देते हैं रिसाइज यहाँ पे अब क्या करो वन मिलियन प्लस वन ताकि आपका जो स्टोर हो सके की वन मिलियन तक का स्टोर हो सके एक ओके फिर हम क्या करें की दे रखा है तो हम हैस की के जगह हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे ऐड के टाइम ट्रू ये ट्रू है ठीक है जब भी रिमूव करने बोला जाएगा तो उस की पे हम क्या कर देंगे मार्क कर देंगे फॉल्स डैट मीन्स हम उसको हटा चुके हैं ये नहीं है यहाँ पे फिर जब भी कंटेंट्स की दे रखा होगा तो आप रिटर्न सिंपली कर दो हैस की अगर वो वहां पे मौजूद होगा तो वो रिटर्न ट्रू करेगा अदरवाइज फॉल्स करेगा सिंपल सा है ये आप कोड रन करो कोड रन करते हैं ओके मैंने यहां पे ये छोड़ दिया है कोड रन करते हैं फिर सबमिट करते हैं कोड को कोड सबमिट हो चुका है ओके थैंक यू